सभी को नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स विद उर्मिला। आज मैं आप लोगों के साथ वेज बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी तरह से बन जाती है। यहाँ मैं फूलगोभी आलू को फ्राई कर ले रही हूँ। इसे मैंने अच्छे से छोटे छोटे काट कर और अच्छे से बॉईल कर लिया था और अब इसे फ्राई कर ले रही हूँ ऑयल में। इसे ऑयल से बाहर निकाल लिया। अब इसी तरह मैं गाजर और बीन्स को भी कटिंग किया और उसे भी अच्छे से भून ले रही हूँ। 3 से 4 मिनट इसे फ्राई कर लेनी है। साथ में मैं मटर भी डाल दे रही हूँ। इसे भी अच्छे से भून लूँगी और अब इसे भी निकाल ले रही हूँ। ऑयल ना आए इसलिए अच्छे से निकाल रही हूँ। यहाँ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दी थी और पानी में 2 दालचीनी, 3 तेज़पत्ता, 2 लौंग 6, इलायची 4, नमक और रिफाइंड ऑयल डाल दिया था। पानी बॉयल होने के बाद मैं ये चावल डाल दे रही हूँ। चावल मैं बासमती राइस ली हूँ, आप कोई भी चावल ले सकती हैं। इसे मैंने आधे घंटे तक भिंगो कर रखा था और छान कर डाल दे रही हूँ और अब इसे अच्छे से चला दूंगी। और अच्छे से उबाल आने दूंगी, फ्लेम फुल ही रखनी है। यहाँ मैंने सभी सब्जियों को भूनकर रखा है। यहाँ मैं 4 टमाटर को बड़े बड़े काट कर रख लिया है। अब यहाँ धनिया पत्ता काट कर रख लिया है, जिसे अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया था। और अब ये पुदीना, जिसे बारीक काट लिया था। और यहाँ मैंने 6 प्याज बारीक स्लाइस कर लिया और उसे फुल फ्लेम पे मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये दही, और दही में मैंने मसाला बिरयानी मसाला डाल कर रखा है। इसे अच्छे से भिंगो कर कम से कम रखना है। देखिए पानी में अच्छा से बॉयल आ रहा है। यहाँ मैंने 1/2 कप दूध में केसर करीब 20 से 25 डालकर भिंगो कर रखा है, या घी है। अब मैं मस्टर्ड ऑयल में जीरा और 3 तेज़पत्ता डाल दिया और उसमें ब्राउन होने पर प्याज डाल दिया। इसे भी ब्राउन कर लूँगी। चावल का ध्यान रखना है कि वो ओवर कुक ना हो। अच्छे से ब्राउन होने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। यहाँ 1 चम्मच मिक्स मसाला, 1 चम्मच बिरयानी मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया और यहाँ हल्दी 1 चम्मच डाल दिया है। अब इसे अच्छे से चलाकर थोड़े से पानी भी डाल दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। यहाँ मैंने 1 पाव पनीर लिया, जिसे क्यूब आकार में कट करके इसे भी अच्छे से शैलो फ्राई कर ले रही हूँ। कटे हुए टमाटर को मसाले में डाल दे रही हूँ और इसे भी अच्छे से भून लूँगी। यहाँ मैंने काजू और किशमिश को फ्राई करके रख लिया है। यहाँ देखिए धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, फ्राई प्याज और ये काजू किशमिश और ये दूध में मसाला डालकर रखा हुआ है। यहाँ मैंने जो मसाले रखी थी बिरयानी मसाला भिंगो कर दही में, उसे भी डाल दिया और अब नमक डाल दिया और इसे अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद, थोड़े से पकने के बाद ये सारी सब्जियों को मैंने डाल दिया और इसे थोड़े से चलाने के बाद 1 ग्लास पानी डाल दूँगी। इसे थोड़े से भून ले रही हूँ करीब 2 से 3 मिनट, जिससे सब्जियों में मसाले अच्छे से आ जाए। अब यहाँ मैं 1 ग्लास पानी डाल दे रही हूँ। आवश्यकता होगी तो और भी पानी डाला जा सकता है।
देखिए अभी ये पतली है ग्रेवी, अभी और भी गाढ़ी होनी है, इसे और भी पकानी है। इससे सब्जी भी अच्छा से पक जाए ढक्कन लगाकर 2 से 4 मिनट इसे पकने दूंगी। देखिए ढक्कन हटाकर देख ले रही हूँ सब्जी पकी है कि नहीं। देखिए सब्जी बहुत अच्छा सा पक गया है और ग्रेवी भी गाढ़ा अच्छा सा हो गया है। सब्जी बनकर तैयार है। अब बिरयानी कैसे सजाते हैं यानी लेयर डालते हैं कैसे वो देखते हैं। यहाँ मैंने पतीला में के तले में घी लगा दिया और ऊपर से बटर पेपर रखा और फिर ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दिया और यह पहला लेयर राइस का डाल दे रही हूँ। चारों साइड बराबर करके राइस डालना है। दूसरे लेयर में सब्जी को चारों साइड अच्छे से डालना है। देखिए इस तरह से अब तीसरा लेयर राइस का चारों साइड इसे भी बराबर करके डालेंगे। देखिए इस तरह से बराबर करना है। फोर्थ लेयर फिर सब्जी का इसे चारों साइड अच्छा से फैलना चाहिए। अब मैं यहाँ जो ब्राउन कर प्याज रखा था उसे भी चारों साइड अच्छे से डाल दूंगी। थोड़ी सी धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता भी डाल दूंगी। अब फिफ्थ लेयर राइस का फिर से डालना है। राइस उतना ही डालना है जिससे सब्जी अच्छे से ढक जाए। फिर से सब्जी का लेयर सब्जी में ग्रेवी भी इसलिए रखा जाता है जिससे कि चारों साइड ग्रेवी भी थोड़ा आए। अब धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता भी डाल दूंगी और ब्राउन प्याज काजू किशमिश सभी डाल दूंगी। देखिए इस तरह से वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब फिर से 6th लेयर राइस का अच्छे से डाल अब फिर से 6th लेयर राइस का अच्छे से डाल दूंगी। और अब फिर से सब्जी का लेयर और ब्राउन प्याज चारों साइड डाल देनी है। काजू किशमिश भी डाल दूंगी। धनिया पत्ता पुदीना भी सभी डाल दे रहे हैं। अब 7th लेयर राइस का डाल दे रही हूँ। जितने राइस है वो पूरे डाल दूंगी। और अब जो मैंने दूध में केसर भिंगो कर रखा था उसे भी डाल दूंगी और घी 1 बड़ा चम्मच डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसी तरह वेज की जगह जो मैंने वेजिटेबल बनाया उसके जगह चिकन या मटन बनाकर भी इसी तरह लेयर डालकर इसी प्रोसेस से सब तैयार कर सकते हैं लेयर।
देखिए इस तरह से, और एक चम्मच घी। अब ऊपर से एक कपड़ा को भिंगोकर, कॉटन कपड़ा हो, भिंगोकर अच्छे से ऊपर से ढक देना है। देखिए इस तरह से सभी को अच्छे से ढक देना है। और अब ऊपर से सिल्वर फॉइल से ढक देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से पैक हो जाए। इस तरह से आप चाहे तो इसकी जगह आटा भी लगा सकते हैं ढक्कन के साइड में। और अब ढक्कन लगा देंगे, और ढक्कन के ऊपर कोई भारी चीज़, मैंने जैसे यहाँ तवा रखा है, आप कोई भी भारी वस्तु रख सकते हैं। अब गैस ऑन करके बिरयानी वाला पतीला को गैस पर रखना है, पर गैस पर रखने से पहले एक तवा गैस पर रखेंगे, और गरम जब तवा हो जाए, जब तवा गरम हो जाए तब उसके ऊपर पतीला रखेंगे। तवा गर्म हो जाए तभी पतीला रखना है। और देखिए यहाँ ढक्कन के ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी रख दिया है, और फ्लेम स्लो ही रखेंगे। पानी जब गर्म हो जाए तब समझना चाहिए कि बिरयानी बनकर तैयार है, दम अच्छा से लग चुका है। देखिए अब गैस बंद कर देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर सिल्वर फॉइल हटा देंगे। अब देखिए कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, टेस्टी वेज बिरयानी बनकर तैयार है। अब इसे सर्व करते हैं। इसे आप रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इसे इसी ट्रिक से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।